are also going live on YouTube as well. So before we start the session out, just wanted to have a quick check that whether the audio video is clear or not. If it is clear, you can just write clear in the chat box. We'll be really happy to know that. एक बार प्लीज क्लियर लिख दो. Are also going live. Those who are connected from a Zoom also request you to please let me know, is my audio video clear or not? Great, 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 great. Okay, I think looks like audio video is clear as well, right? And जो यहाँ पे connected है, definitely I'll also request you to please share this videos with your friends out so that those who want to get or want to prepare their resume in a perfect manner definitely can do that. They can also do the same, right? Now, one of the biggest problem with we as CA students out is that number one is, sir, how to prepare a resume for articleship? Sir, whether I should include this in my resume or not? Sir, मेरा resume सही बनेगा कि नहीं? Right? This is the most common problem with all of the CA students out, right? Don't worry, I'll be telling out the resume, how you're going to be preparing a resume, how you can prepare the best resume to get into Big 4, right? Just also wanted to check that how many of you are also targeting to get into Big 4? Just write yes in the chat box, please. कितने लोगों को जाना है Big 4 जरा बताइए एक बार, हम भी देखें अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर yes लिखिए, right? Really wanted to tell you out. So great, I think everyone. Oh my God, great. YouTube की जनता आप भी बता दीजिए आपको जाना है कि नहीं Big 4 में, right? And in fact, I completed my articleship from Big 4 E&Y Pune office. Right, so definitely I can tell you out कि क्या मेरे resume में ऐसा था which was showing some of the different things or which was displaying some of the different qualities which helped me out to get into the Big 4, right? Okay, आशीष जी कह रहे हैं उन्हें भी जाना है और बाकी लोगों को भी जाना है. Great. अब सबसे पहले मैं आता हूँ आर्टिकल आपके resume पे, right? अब सबसे पहले many of the things whenever you're going to be making a resume, और जब भी आप resume बनाते हैं definitely अगर सेशन में अपना किसी को resume review भी कराना होगा, आप अपने रेज्यूम प्लीज मुझे सेंड कर सकते हैं, राइट? डेफिनेटली यू कैन शेयर द रेज्यूम ओवर अ ज़ूम चैट. मैं आपका रेज्यूम भी रिव्यू कर दूंगा अगर किसी को दिखाना होगा तो, राइट? बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेज्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज, है ना, आप साथ साथ में चाहिए तो एक नोट्स भी बना सकते हैं या आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, राइट? तो मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट द पीपल दोज हू आर जॉइनिंग फॉर दिस सेशन आउट डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स पैरेलली. ठीक है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कंसीव नोशन, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी कैरिंग दिस प्री कंसीव नोशन. आप में से काफी सारे लोगों को ये भी नोशन होता है कि सर रेज्यूम कितने पेज का बना है. देखो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल फॉर मेकिंग अ रेज्यूम इज, लिखते जाइए अगर आप लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, द फर्स्ट टिप इज रेज्यूम शुड बी वन पेज. सिर्फ एक पेज का रेज्यूम होना चाहिए आपका, उससे ज्यादा का रेज्यूम, मल्टीपल पेजेस आर नॉट गोना बी प्रेफर्ड. इट इज गोना बी रिकमेंडेड टू हैव अ वन पेज रेज्यूम, राइट? इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड टू हैव अ वन पेज रेज्यूम, राइट? सर मैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी, द आंसर इज यस. सर मैं जॉब के लिए ढूंढूंगा बाद में, तो भी द आंसर इज यस. वन पेज रेज्यूम ही होगा आपका. सेकेंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सिलेक्शन पैरामीटर किस चीज पे होगा. समझो पहले आपका सिलेक्शन पैरामीटर किस चीज पे होगा, आपको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, आपको सिलेक्शन पैरामीटर, राइट, किस चीज पे होगा. ऑन व्हाट बेसिस द कंपनीज आर गोना बी सिलेक्टिंग यू, राइट? ऑन व्हाट बेसिस द कंपनीज आर गोना बी सिलेक्टिंग यू. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मेक द नोट्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. डेफिनेटली दिस इज गोना बी हेल्पिंग आउट टू क्लियर एंड गेट क्लोज टू योर ड्रीम कंपनीज और ड्रीम आर्टिकलशिप फर्म, राइट? जिसको भी जहां जाना है वहां जाने में आपको हेल्प करेंगे हम लोग, right? The first and the most important parameter whenever you're going to be going for any of the interviews is the academics background, right? आपका academics background कैसा है? अच्छा, so sorry, I think screen stop हो गया क्या share हो ना? हाँ, is the academics background. अब academics background का मतलब क्या है, right? Academics background में definitely आपके कौन कौन सी चीजें आएंगे. It's gonna be your 10th, 12th, your BCom score if possible, right? And also definitely they will be also considering from which type of colleges or which type of schooling you have completed from. Say for example, if you are completed a 10th from CBSE, right, that is going to be a good leverage, right? So definitely this is again one of the good benchmark. So what I've said is 10th, 12th, and you're definitely a BCom which is going to be there, right? Preferably here you need to again showcase whatever marks you have scored, but this is again one of the selection parameter. The next selection parameter is based on what type of activities or actions you have taken in your journey. That means where I'm talking about extracurricular activities, I'm talking about extracurricular activities कि आपने कौन सी activities, कौन से actions किए हैं past में. Based on that, the companies are gonna be selecting you out. Right. So sorry, I think there's some issue with my iPad. Looks like. So second is your extracurricular activities. Right. Definitely, if you have led a team, or if you have been a school captain, or if you have been done something great in the past, definitely the companies are gonna be preferring you out. That is the second most important part. The third most important part, आप अभी लिखते जाइए, right? Definitely, I'll be again sharing my screen now. The third and the most important part, which is gonna be your technical knowledge, right? The technical knowledge. Now, technical knowledge will also include some of the knowledge related to Excel, knowledge related to your basic stuff of your studies. राइट डेफिनेटली वो चीजें आपको अपने रेज्यूम में प्रेजेंट करना होगा. दैट इज अ थर्ड पार्ट. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द सिलेक्शन पैरामीटर, एंड दैट इज योर एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड कैसा है. राइट, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू आर गोना बी कैरिंग रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू थिंग्स आउट. सो दिस इज अगेन गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और पैरामीटर व्हेनेवर यू गोना बी डूइंग और वर्किंग और लुकिंग फॉर अ जॉब्स. ठीक है, तो जस्ट अगेन लेट मी अगेन कंटिन्यू शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट द पीपल कैन कंटिन्यू एंड नोट डाउन द थिंग्स आउट. नाउ कमिंग बैक, what I'll do is that I'll be showing some of the sample resumes to you guys, right? Where you can just have a look. Definitely I'll tell you out कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो. राइट, दैट इज समथिंग अगेन गोना बी हेल्पिंग यू आउट. इफ इन केस थोड़ा सा नॉइज आएगा तो जस्ट लेट मी नो. राइट, I'll be really happy to just ensure that कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है. Now, one of the resume which I was going through, right? So sorry for the noise. One of the resume which I was going through, and generally, what we as a student used to do is that. अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, generally we as a student, what we used to do is that. एक सेकेंड दो यार, I think there's some issue with iPad. एक सेकेंड ना. Right, so sorry for the disturbance out. Right, हाँ, one of the issue with lot of student is that हम लोग अपने resume में ना mainly पता है क्या discuss करते हैं, सिर्फ academics डाल के रख देते हैं. We mainly put our 10 score, 12 score, आगे का score, that's it. But interviewer is not only interested in your 10 score, 12 score. They are also interested in how good you are at a schooling, how good you are at presentation skills, how good you are at other skills out during your previous journey of a class 10th and class 12th out. Right, now what I'll do is that I'll share my screen and I'll share my screen. Not ideal resume, मुझे पहले खुलने दो. Right, what I'll do, I'll just share my different screen out and definitely you can just check it out here. ठीक है, now this was generally one of the resume which I got from one of the student, right, where he has mainly mentioned about his IPCC, Group 1, Group 2, Foundation, BCom, CBSE, Class 10th and all this. अब अगर मैं इसका रेज्यूम देखता हूं बर्ड्स आई व्यू से, इंटरव्यूअर सबसे पहले रेज्यूम को बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे फॉर 6 odd seconds. राइट, इफ यू सी दिस रेज्यूम फॉर 6 odd seconds, डेफिनेटली देयर इज अ वन बिगर प्रॉब्लम इन दिस रेज्यूम, एंड दैट इज कि भाई काम तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इनने एकेडमिक्स डाल के रख दिया है. ओनली द एकेडमिक्स पार्ट व्हिच ही हैज डन एंड बेस्ड ऑन व्हिच ही सेज दैट कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए. द आंसर इज नो. डेफिनेटली द एकेडमिक्स इज वन ऑफ द पैरामीटर बेस्ड ऑन व्हिच द कंपनीज आर गोना टू बी शॉर्टलिस्टिंग यू आउट. राइट, बट वन थिंग यू नीड टू आल्सो रिमेंबर इज दैट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स अच्छे से बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट एंड हॉबीज बताना पड़ेगा. जैसे आपने लिख दिया बैडमिंटन, भाई ठीक है, तो बैडमिंटन में क्या, राइट, यू नीड टू डिफाइन कि बैडमिंटन यू हैव गॉन टू स्टेट लेवल, बैडमिंटन में हाउ योर हॉबीज को आपने किस तरीके से उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल किया है. राइट, तो सिंपल तरीका, आई विल जस्ट शो यू आउट इन अ गुड रिज्यूम हाउ यू गोना बी राइटिंग द सेम. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू वन बाय वन सेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन. मेनी ऑफ यू हैव आल्सो गोना बी डिवाइडिंग दिस एजुकेशन सेक्शन इनटू मल्टीपल पार्ट्स like professional education or school education. अलग अलग पार्ट में used to divide. No need, make simple one table only. एक simple one table का ही जरूरत है, multiple tables are not needed. Next, sir, based on recency it should be there. What does mean by recency? Recency मतलब जो अभी किया है वो ऊपर, जो बाद में किया होगे वो नीचे. राइट, तो सबसे पहले आपका इंटर का आएगा. नेक्स्ट, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू स्प्लिट बोथ द ग्रुप्स एंड राइट इट डाउन. जनरली इट इज रिकमेंडेड टू क्लब इट. मैं दिखाऊंगा कैसे आपको करना है क्लब करके इन अ बेटर मैनर. It is recommended to club it and then write it down. Foundation का आपने लिखा है, बट देखो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स कॉलम नहीं लिखा है. If the foundation में if you're scoring above 70, that means you are going to be getting a distinction in foundation. तो वो चीज भी आपने नहीं लिखा है. तो you need to showcase it to an interviewer that okay, I am a good person out. मैं अच्छा person हूँ, मेरे को आप select कर सकते हो. Because I have done something great in my journey out. Right? तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है whenever you're going to be doing this out. Next, BCom honors का देखो आपका कॉलेज अच्छा है तो दिखाओ ना भाई, क्यों नहीं दिखा रहे हो? That is going to be again going to be showing, but वो आपका मिसिंग है. अगेन नेक्स्ट आपने कॉमर्स सीबीएसई लिखा है राइट, बट यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि कौन सा है, तो 12th लिखना भूल गए. तो अगेन दिस आर द वेरी कॉमन मिस्टेक्स व्हिच इज देयर राइट. यू हैव जस्ट मेंशन द परसेंटेज, बट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि आपने डेफिनेटली हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स और 80+, 90+ और 99 मार्क्स इन अकाउंटिंग, वो भी मिसिंग है राइट. एंड क्लास 10th में डेफिनेटली हैव स्कोर्ड 10 सीजीपीए, तो यू कैन जस्ट मेंशन इट आउट, यू आर अ स्कूल टॉपर और समथिंग सॉर्ट ऑफ, तो दैट इज मिसिंग. Now coming back to the way of presentation of इसको और कैसे अच्छे से दिखा सकते हैं, वो चीज हम देखते हैं इसको अगले एक सीवी में. वो चीज हम सबसे पहले आप देख लेते हैं कि एक दूसरे सीवी में मैं इसको कैसे अच्छी तरीके से हाउ आई कैन प्रेजेंट दिस आउट राइट, हाउ आई कैन प्रेजेंट दिस आउट, उसको मैं एक दूसरे सीवी में आपको दिखाता हूँ हाउ यू कैन प्रेजेंट इट इन अ बेटर मैनर. अब देखो दिस इज अ डिफरेंट सीवी व्हिच आई हैव मेड इट आउट राइट, जस्ट अ सैंपल सीवी इज आउट. डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग द सैंपल सीवीज आउट ओवर ईमेल एज वेल राइट, एंड ऑल्सो द पीपल ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा, सीए मॉन्क टेलीग्राम ग्रुप. नाउ नेम, सबसे पहले नेम आपने अपना एज लिखना है तो एज लिखो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, योर लिंक्डइन आईडी, वीडियो रिज्यूमे है तो ओके, नहीं है तो इट्स फाइन. नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव पुट अ ईयर. कैन यू सी दिस? मैंने इसको कंबाइन कर दिया है. प्रीवियस रिज्यूमे इट वाज सेपरेटेड राइट, इसमें देखो मैंने कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट करके कंबाइन कर दिया है. नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट, आईसीआई लिखा है मैंने. फिर जो आपके मार्क्स है बोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टोटल आउट ऑफ, ठीक है. और उसके बाद आपने लिखा है कोई रिमार्क्स, जैसे कि मेरा रैंक 3rd था पुणे में और मैंने लिख दिया एग्जाम्शन इन 4 सब्जेक्ट्स. सिमिलर वे आई एम गोइंग टू बी मेंशनिंग फॉर सीए फाउंडेशन, इफ आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई एम गोइंग टू बी राइटिंग क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट राइट. सिमिलरली फॉर बीकॉम मैंने लिख दिया बीकॉम के लिए राइट, की बीकॉम मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया था, बीएमसीसी से किया था, व्हिच वेयर अगेन आई स्कोर्ड 99 मार्क्स. Class 12th का if you scored something great, mention it out. Class 10th में if you scored something great, mention it out. What is important is that you need to showcase your good qualities out to an interviewer. नहीं दिखाओगे तो नहीं कोई आपको लेगा. And the first level is always a screening. First level is always going to be a resume screening, based on which the interviewer is going to be choosing कि भाई whether I should select Shivam Palan for a job interview or whether I should select Shivam Palan for a articleship interview or not. Right? Next, moving forward to our next point. यहां तक के सबको क्लियर है हाउ टू मेक अ टेबल फॉर योर एकेडमिक्स पार्ट? हेलो, इफ इट इज क्लियर जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स. अभी तक के सबको क्लियर है कि कैसे टेबल बनाना है एकेडमिक्स का? आई वांट अ पार्टिसिपेशन, ग्रेट, आई थिंक सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया. अर्चिता कह रही है क्लियर, ओके सर, ओके सर. केविन कह रहे हैं क्लियर, ओके. आई एम कह रहे हैं क्लियर, ओके राइट. तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूट्यूब की जनता आप भी बता दीजिए, लिख दीजिए क्लियर, और डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं right. Okay, it is clear to all of you guys. Now moving forward to the next and very interesting section out. मैं काम करता हूँ, मैं not an ideal resume को भी उसमें ही move कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे. एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड इसको import कर लेता हूँ. Import from okay, yes, है ना, एक सेकेंड दीजिए बस, मुझे इंपोर्ट कर लेता हूं मैं. ठीक है, चलो रहने दो, नहीं हो रहा है अभी ये इंपोर्ट भी. आज मेरा स्क्रीन शेयरिंग और दोनों ने काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्दर डिस्कशन आउट. मैं अब फिर से आगे बढ़ता हूँ. इसके बाद इफ यू हैव डन एनी ऑफ द एडिशनल वर्क इन योर जर्नी, अगर आपने एडिशनल वर्क किया है अपनी जर्नी में तो आप उसको एक्सपीरियंस के अंदर दिखा सकते हो, बट काफी लोगों ने नहीं किया होगा तो इग्नोर इट. अगर किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया. उसको आप कैसे दिखाएंगे? नेम ऑफ प्लेसेस वेयर यू वर्क, कंपनी नेम, रोल, एंड देन यू आर गोना बी मेंशनिंग द लोकेशन, एंड राइट हैंड साइड यू आर गोना बी शोइंग द ड्यूरेशन. फिर उसके बाद आपको बताना है कि वो फॉर्म कैसी थी या वो एरिया कैसा था. इफ समवन हैव वर्कड और डन सम ऑफ द आर्टिकलशिप और फ्रीलांसिंग वर्क और सम ऑफ द लर्निंग वर्क, वेल एंड गुड, यू कैन शोकेस इन दिस वे वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो. अगर नहीं है देन यू कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द ग्रेट वर्क व्हिच यू हैव डन, लाइक पोजीशन ऑफ लीडरशिप, कि मैं स्कूल में लीडर था राइट, या मैं हेड बॉय था. यू नीड टू शोकेस इट आउट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एवर वर्क यू हैव डन एडिशनली व्हेन यू आर अ लीडर राइट, और व्हेन यू आर अ हेड बॉय, क्या काम किया आपने. जैसे मैंने कंडक्ट किया काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव. द वर्ड इज गोना बी स्टार्टिंग विद एक्शन वर्ड, कंडक्टेड राइट, द एक्शन वर्ड इज देयर. काम किया था, because it was a past, right? So we are going to be starting with action words. In a similar way, you are going to be starting each and every sentences with action word, like led. क्या किया? Led 100 plus drives involving more than 500 people, right? तो मैं क्या कर रहा हूँ? Quantify कर रहा हूँ और चीजों को लिख रहा हूँ अच्छे से. ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन वर्ड्स कोशिश करना है मुझे डालना है, उसके साथ साथ आई ऑल्सो नीड टू पुट आउट द क्वांटिफिकेशन ऑफ द नंबर्स आउट, द क्वांटिफिकेशन ऑफ थिंग्स आउट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, तो उसको मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सिमिलरली जो भी आपने पोजीशन ऑफ लीडरशिप की है, नाउ इट्स अ टाइम वे यू आर गोइंग टू बी रिकॉलिंग योर एंटायर जर्नी, राइट? नाउ इज अ टाइम वे यू आर गोइंग टू बी रिकॉलिंग योर एंटायर जर्नी एंड यू आर गोइंग टू बी पुटिंग आउट ऑल दिस डिटेल्स आउट. ठीक है, ये सब आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी जो भी आपने पोजीशन ऑफ लीडरशिप है. The next and the most important part is the extra curricular. This is a sample resume. इसमें अभी और कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है, so that you can also definitely add lot of things in your resume as well, right? जो ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली आपके रेज्यूम्स आर गोना बी शेयर्ड इन अ कोर्स सेक्शन. यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोर्स मिलेगा, वहां पे आपको ये रेज्यूम का फॉर्मेट मिल जाएगा, राइट? 2-3 कोर्सेस मिलेंगे, आप क्लिक करके देख लेना, यू विल बी एबल टू गेट इट आउट. नेक्स्ट, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको कुछ लिखना है तो डेफिनेटली देखो कितने अच्छे से लिखा है. पहले आपने किया ड्रामा में, फिर लिख दिया मिसेलेनियस, और उसके बाद बता रहे हो कि मैंने ड्रामा में क्या क्या चीजें की थी. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने कुछ जीता है तो बताओ, राइट? इफ यू हैव डन सम अदर वर्क्स आउट यू गेन नीड टू शोकेस इट आउट इन अ बेटर मैनर. जैसे कि से फॉर एग्जांपल आई वाज अ रनर अप इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्विज इन 2016 आउट ऑफ 66 पार्टिसिपेंट्स ऑफ टीम. बट जनरली वी एज अ सीए स्टूडेंट हम लोग क्या लिखते पता है? हम लोग ये लिख देते हैं रनर अप इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्विज. अगर भाई इतना ही लिखोगे तो नहीं मिलने वाला. यू नीड टू जस्टिफाई दैट थिंग वाज अ जेन्युइन, यू नीड टू शोकेस इट आउट कि वो चीज सही था और मैंने ये चीज को सीरियसली किया है, राइट? तो ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा. दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? व्हिच यू अगेन नीड टू कंसीडर इट. एंड एक सेकंड, हाँ, तो ये आपको बताना पड़ेगा अच्छे से कि भाई देखो मैं रनर अप था एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव फॉलोड आउट. ठीक है, तो रनर अप आपने बता दिया, इसमें आपने क्वांटिफाई किया चीजों को कि भाई देखो 2016 में था और 66 पार्टिसिपेंट्स थे. अगर आपने कोई सेशन को एंकरिंग किया है आईसीआई कॉन्फ्रेंस में, यू कैन जस्ट मेंशन इट आउट किया है, एंकर्ड अ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल, बताया, जस्टिफाई किया, चीजों को बोला. नेक्स्ट इज अगेन यू आर गोना बी शोइंग योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग हमारे इंटरेस्ट और हॉबीज को दिखा देते हैं बट वी आर नॉट गोना बी क्वांटिफाइंग. आप सिर्फ लिख देते हो ट्रैकिंग, नहीं भाई, लिखो ना कि कहाँ पे आपने ट्रैक किया था. You just mention it out. कितना फीट क्लाइम किया? मैंने 2100 फीट क्लाइम किया in 1.5 hours. सामने वाले को लगता है कि भाई गजब की है. काम को दिखाना पड़ेगा. It's gonna be way of presenting the things out, right? जैसे आपने कोई हॉबीज किया है तो डेफिनेटली आप वो चीज भी आप दिखा सकते हो अच्छे से. नेक्स्ट देखो, इसको है ना इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का एक जानबूझ के अलग से मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज दैट इज गोना बी समथिंग विच लॉट ऑफ कंपनीज आर गोना बी लुकिंग फॉर, राइट? जब भी अगर कोई कंपनी फॉर्म हायर कर रही है आपको तो वो हमेशा पूछती है कि आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं. तो एकदम सिंपल तरीके से आपने रेज्यूमे लिख दिया कि भाई देखो मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है और मेरे को बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी मिला था, या मैंने आईटी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया जो कि 90 डेज ऑफ ट्रेनिंग था, वेयर आई सिक्योर्ड A+ ग्रेड. ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू शोकेस दैट व्हाट वर्क यू हैव डन इन योर जर्नी इन अ पास्ट. नेक्स्ट, एडिशनल स्किल्स कि भाई देखो मेरे को टैली आता है, क्विक बुक्स आता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर. लैंग्वेजेस, मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, आई कैन स्पीक गुजराती, आई कैन स्पीक हिंदी. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लैंग्वेज स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स गोना बी जस्टिफाइंग एंड हेल्पिंग मी आउट सर वेदर कंपनी कैन पुट यू इनटू द डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर आपने एडवांस एक्सेल किया है तो वो लिख दिया. फ्रॉम सीए मॉन्क कहाँ से किया वो लिख दो. अंडरगोइंग पावर बीआई, मेनी ऑफ यू आर गोना बी गोइंग सम ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज और कुछ आप कर रहे हो तो वहां पे आप लिख सकते हो अंडरगोइंग कि मैं कर रहा हूं. एंड ऑल्सो मेंशनिंग ऑफ अ ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट जस्टिफाई दैट कि आपने कितना उस चीज को टाइम डिवोट किया है. नाउ यू कैन सी दिस द वे आई हैव पुट द फॉर्मेट आउट. कैन यू सी दिस? एकदम सिंपल सोबर वे में रेज्यूम को रखा है, खिचड़ी नहीं मचाइए. What I see from you guys and your resume is that most of you are going to be messing up with your resumes out. Please do understand. This is the resume which is going to be deciding your career, ki whether I'm going to be joining Big 4 Articleship firm or I'm going to be joining a mid-sized Articleship firm. And now is the time we are going to be investing all those times into making this out, right? Now, moving forward to few of the common doubts regarding resume. Sir, whether I should include photo in my resume? Sir, photo dal do kya? Ideally, the putting a photo is not recommended. Putting a photo is not recommended. Sir, whether I should put a declaration stating that all the information mentioned in a resume is true and correct? The answer is, क्या लगता है? नहीं डालना है. You are not supposed to put that, right? Third thing, sir, career objective. Sir, career objective. Should I put a career objective? See, ideally, 99% of the people are going to be copying the career objective from YouTube only. So career objective is something again which you are not going to be putting if you are making an articleship resume, because people are going to be looking from what you have done in the past. आपका हिस्ट्री कैसा था, आपका एकेडमिक्स कैसा था, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा था, योर कम्युनिकेशन कैसा है, right? And one of the important skill which interviewers look whenever they are checking or taking your articleship interview is your confidence, is your communication and way of presentation. This is the important thing. Resume is the first level screening which is going to be helping you out to take and make your selection fast forward. That is something which you need to keep in mind. Right now I'll open the forum for our students out jinko koi bhi doubt hai, right? I'll be really happy to cover all those doubts out. Now before I go for a doubts, also one more important update, right, which is there. Now those who wants to scan their resume and feel like sir mera resume sahi hai ki nahi, what you can do is that you can go to our website tools.camonk.com, tools.camonk.com. wahan pe aap jao articleship score pe, wahan pe aap jao articleship score pe. Once you go there and you can put your 10th ka score, 12th ka score, right? All those scores out which are there. You can just select the details, put your resume. If your resume score is above 70, if your resume score is above 70, that means you have made a really good resume. Aapka acha resume bana hua hai. If your resume score is below 70, that means definitely you need to improve on your resume score. That means you also need to improve on your resume part as well. This is the important, this is the benchmark. Right, we have put hell lot of efforts to ensure that कि आपका resume अच्छा बने, and this is a tool which we have made for you guys exclusively. The link for this tool is shared with you guys over the chat box. Right, आपके chat box में आप check कर लीजिए, YouTube पे जो connected है आपको ये pin करके मिल जाएगा, और बाकी में आप ये भी check कर सकते हैं tools.camonk.com. You can also visit the same. Great, I think I'm getting some of the doubts right. First doubt is that sir, if we are doing any additional professional degree, can we put in the CV? The answer is yes. Siddiqa, आप डाल सकते हो, बिल्कुल डालना चाहिए आपको. Resume plus what any other documents to be kept while interviewing at the time. देखो सबसे पहले, सबसे important चीज is first basic thing is a resume. उसके साथ साथ if you're going for interview at any other companies out, तो जो भी आपने professional आपके education details में डाला है, if possible please make a proper file containing a documents of 10th mark sheet, 12th mark sheet, your BCom marks, if you have cleared first the first degree or second degree, जो भी आपने STEM complete किया उसका just carry a mark sheet out, right? Orientation का, ITT का, right? इसके अलावा जो certificates आपने कुछ लिखे हैं, right? That is something which is gonna be needed out. ठीक है? What about the date and place and signature in a resume? Deepa, not needed. All those things are not going to be needed out. See, on what basis I'm going to be hiring? मैं आपको कौन से basis पे hire करूँगा? मैं आपको only going to be basis of your past. कि past में आपने क्या अच्छा काम किया है? Extra curricular क्या अच्छे थे आपके? Right? So that is something which is going to be helping me out to know that कि आप कैसे past में perform किए हो. राइट, देखो सर एड्रेस डालना चाहिए कि नहीं, राइट? इंक्लूडिंग पिन कोड. एड्रेस डालने से मेरे को पता पड़ जाता है कि आप कौन सी सिटी या कौन सी लोकेशन से बेस्ड आउट ऑफ हो, राइट? तो एड्रेस डाल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है. बट अगर आपका रेज्यूम वन पेज में नहीं आ रहा है तो एड्रेस यू कैन बी स्किप्ड ऑफ, बट यस यू कैन पुट द एड्रेस इन योर रेज्यूम, राइट? नीचे आप एड्रेस का डिटेल्स लिख सकते हो, राइट? ओके ओके, यस, आई हैवंट डन माय बीकॉम. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. अंश शर्मा जी कह रहे हैं मेरा बीकॉम नहीं हुआ है. एक्चुअली आई हैव टुक ट्रांसफर फ्रॉम रेगुलर कॉलेज. विल इज दैट गोना बी इफेक्टिंग माय सिलेक्शन परसेंटेज? द आंसर इज नो. बीकॉम के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा. इट्स प्योरली बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हैव डन इन योर पास्ट, इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और हाउ मेनी अवार्ड्स यू हैव रिटन, आपके हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका स्किल सेट्स क्या है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, राइट? और बताइए, और बताइए. यस 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 यस, ओके. I have joined your articleship master class. बहुत बढ़िया, articleship master class कल से चालू हो रहा है, तो जो आना चाहते हैं definitely we'll be happy to help you out. वहाँ पे हम आपको 10 दिन rigorous training देंगे, ये सब चीजों का आपका resume review करेंगे. We'll ensure that you are going to be getting to some of the good articleship forms. ठीक है? Form name दीपा मैं आपको share करूँगा हमारे Telegram group पे, CA Monk 8 पे लिस्ट बनाई हुई है मैंने कि कौन सी फर्म सिटीज की कौन सी फर्म है, राइट? तो दैट इज समथिंग व्हिच आई विल बी डूइंग फॉर यू गाइस. So when should we place our resume and how to prepare for such interviews, right? देखो interviews के लिए, if you're going to be thinking and preparing for our interviews, right? We are already launching, or we have already launched, right, our articleship masterclass for you guys, where we are going to be teaching you on end-to-end how to prepare for your articleship journey. What you need to do is that just go to camonk.com. यू नीड टू गो टू प्लेसमेंट टाइप एंड आर्टिकलशिप मास्टर क्लास। ये आप देख सकते हो पूरा रिगरस हमने आपके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप बनाया हुआ है। यू कैन प्ले दिस वीडियो आउट, आपको पता पड़ जाएगा क्या कवर होने वाला है वर्कशॉप पे। इफ यू वांट टू डाउनलोड अ करिकुलम, यू कैन डाउनलोड अ करिकुलम फ्रॉम हियर एज वेल एंड यू कैन सी द डे वाइज शेड्यूल व्हिच इज देयर, राइट। So I have been into training and placements for almost 3 odd years, right? As industry में almost 3 साल से काम कर रहा हूँ। I place the people in the company you name, I place the people into Big 4 you name, right? तो वो चीज़ है। The only thing which is needed is now a preparation for our interviews, right? And that is something which I have already solved for you guys, right? Which you can definitely check. हिमांशु कह रहे हैं कि सर कैन द रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल? द आंसर इज यस, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगे। जिसको बाद में देखना है आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। रेज्यूम कैन बी शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट? द आंसर इज नो, रेज्यूम कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एज वेल, है ना। आप उसमें थोड़ा बहुत कलर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, आई एम अ ट्रांसफर केस, कैन आई गॉट अ आर्टिकलशिप इन द बिग 4? मैं भी ट्रांसफर केस था मेरे दोस्त, आई वाज अ ट्रांसफर केस, आई गॉट अ आर्टिकलशिप विद E&Y, ठीक है। ओनली द थिंग व्हिच यू नीड टू अगेन प्रूव इट दैट क्या आर यू एबल टू डिलीवर, आर यू एबल टू हैंडल द प्रेशर, Are you able to handle the stress? How good you are at communication? ये सब चीजें आपको प्रूव करना पड़ेगा, right? Sir, will the training workshop will be in English or Hindi? It will be in English, my friend. That is gonna be in English. English में रहेगी हमारी workshop, okay? Sir, my IT training is going on. It's still 8th of December. Shall I join the mentioned session? The answer is yes. You can join it. बाद में आप रिकॉर्डेड देख लेना, जो सेशन आपके मिस आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप वो चीज कर सकते हो। इफ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बट सीए इंटर नहीं दिया, डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बिग 4 में कन्वर्जन वाले केस थोड़े से कम लेते हैं, दैट इज ऑनेस्ट आंसर, राइट। एंड दैट इज वाई आपको कोई टॉप फॉर्म्स या Tier 2 फॉर्म्स टारगेट करनी पड़ेगी। बिग 4 में ये वाले केस थोड़े से कम रहते हैं जहां पे आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। दे प्रेफर अ कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स आउट, दिस इज अ ऑनेस्ट ट्रुथ। यस, एनी मोर डाउट्स इन द चैट बॉक्स? आई थिंक मैंने पूरे डाउट्स कवर कर लिए हैं। अगर किसी को और भी डाउट्स है प्लीज बताइए। सर आईटी क्लास चल रही है, आपकी लाइव क्लास है? अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, राइट। और इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो बाद में आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट 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 राइट। ग्रेट, आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा अभी पिछले 30 मिनट में, राइट। आपने आप बहुत कुछ नया सीख लिया कि सर कैसे रेज्यूम बनाना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, राइट। डेफिनेटली आप अपने फीडबैक चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू एंश्योर दैट कि आप जो भी फॉर्म के लिए टारगेट कर रहे हैं हम आप और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, आपके लिए बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे, राइट। तो ये चीज हम हमारे साइड से करेंगे। और जो भी ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आप रजिस्टर कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड में भी है, लाइव में भी है, दैट इज गोना बी देयर, राइट। और इसके अलावा कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हाउ शुड वी डिसाइड व्हिच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूड? पहले देखो, आपको पहले नोट डाउन कर लेना है पूरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद आप देखो कि कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जो इंटरव्यूअर को लगेंगे विच इज गोना बी रिलेटिंग और विच इज गोना बी शोइंग सम ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरल ड्राइव एंड इम्पैक्ट। ये सब चीजें जो वर्ड्स दिखा रहे हैं, राइट, वो चीजें, वो क्वालिटीज आपको डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम रियली कंफ्यूज, माय अटेम्प्ट इज इन November 23 बट शुड आई वेट फॉर अ न्यू सिलेबस और स्टार्ट माय आर्टिकलशिप एज पर द ओल्ड स्कीम? अभी स्टार्ट कर दो, डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज कंटिन्यू वॉट एवर द एग्जिस्टिंग थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मैं अलग से वेबिनार लूंगा माई फ्रेंड, डोंट वरी, राइट ये किसका है। और अगर आप प्रिपेयर भी करना चाहते हो तो हमारे वर्कशॉप में हम करा देंगे, ठीक है। सर इज इट मैंडेटरी टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स टू एंटर इन अ बिग 4? द आइडियली यस, प्रेफरेबली यस। Kindly share the resume through our registered email. Yes, I will do the same. Thank you for the session, wonderful session. Thanks Kevin, अच्छा लगा सुन के। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने बता दिया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अंकित जी मैं अलग से एक और सेशन लूंगा, बहुत डिटेल में गाइडेंस देंगे उसमें, राइट। बट अभी हम लोग आज रेज्यूम रेस्ट्रिक्टेड डिस्कशन करते हैं। सर आई हैव नॉट डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम सच अ गुड फॉर्म ड्यू टू कोरोना सो दैट माय अटेम्प्ट डज नॉट डिले। आई हैव गिवन माय Group 1 इन November एंड आई एम नर्वस वेदर आई शुड गेट अ जॉब और नॉट। विनीत अग्रवाल जी आपको टेंशन नहीं लेना है ना। इसके लिए हम लोग बहुत रिगरस ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाते हैं हमारा गेटिंग इंटरव्यू रेडी के नाम से, राइट। तो वो आप वेबसाइट पे जरूर चेक कर लीजिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अलाउड इन अ बिग 4, देखो इसमें मैक्सिमम देखा जाए तो दे वुड प्रेफर अ कैंडिडेट्स अप टू 4, है ना, दैट इज व्हिच इज देयर। बट अगेन अगर आप कोई एक्सेप्शनल केस निकलते हो तो 5-6 तक के भी चलते हैं, Right. Will you share some of the emails in order to send the CVs? मैं आपको बता दूंगा कैसे HR के ईमेल आईडीज ढूंढना है, राइट right? आपको वो फाइंड आउट करके यू कैन जस्ट सेंड इट आउट, है ना? Should we apply in a pre-result drive or wait for the results for applying a Big 4? A or B, whichever is earlier. देखो, do not miss any of the opportunities which are there. काफी सारे Big 4 का pre-result drive स्टार्ट हो जाएगा, तो you need to start preparing for your interviews out. तो apply कर दो अगर opportunity मिल रहा है तो, right? यस 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 यस, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है रेज्यूम के रिगार्डिंग, कैसे बनाना है, कैसे फॉलोअप करना है, राइट right? ये चीज भी बता दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कोर्स की, जहां पे आप ये रेज्यूम जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अपने सैंपल रेज्यूम को अपडेट कर सकते हो और अपना रेज्यूम बढ़िया से बना सकते हो, और यू कैन गेट इनटू द गुड आर्टिकलशिप फॉर्म। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई हेल्प चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है गाइस।